दक्षिण की ओर बहती है, इसलिए इसको दक्षिण कोयल नदी भी बोला जाता है। लगने लगने के बाद इस बालू में आके हम लोग घोलटते हैं। हरा भरा गेहूं का खेत, सुबह का मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे संग्राम विलेज चैनल में। तो मेरा गांव पड़ता है दोस्तों ये झारखंड राज्य के लोहरदगा ज़िले के ये दत्री गांव में, और मेरे गांव के बगल में से गुजरती है दक्षिणी कोयल नदी। और मेरे घर से लगभग यहां मैं अब यहां से चलना शुरू करूंगा तो 5 मिनट में मैं हमारे गांव की दक्षिण कोयल नदी में पहुंच जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं हमारे गांव की दक्षिणी कोयल नदी। ये रहा मेरा घर, और इधर भी एक है मेरा घर, और इधर है मेरा कोयल जाने का रास्ता। तो ये रहा दोस्तों कच्ची रोड, हमारा कोयल नदी जाने का रास्ता। और इसी रास्ते से 15 जनवरी का जो मेला लगा था उसके लिए भी जाने का यही रोड है, और इसी रोड से बालू का उठाव भी किया जाता है। इधर रहा मेरा घर, और इधर है हम लोग का जो मेला लगता है 15 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, वो लोकेशन इधर है। और ये है हमारा कच्ची रोड। और कोयल नदी जाने से पहले हम लोग का पड़ता है एक ढोढ़ा नाला, जिसमें पानी से ज़्यादा थेथर ही भरल है। सुबह का मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और ये देख सकते हैं मेरे पीछे गेहूं का लहलहाता हुआ हरा भरा गेहूं का खेत। और इस गेहूं की खेत की सिंचाई, इधर है हम लोग का दक्षिणी कोयल नदी, उसी से इसका सिंचाई किया जाता है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हमारे गांव की दक्षिणी कोयल नदी की खूबसूरत नदी में। और ये रहा हमारे गांव की दक्षिणी कोयल नदी, और इधर है हम लोग का टाउन लोहरदगा, और इधर है हम लोग का बस्ती झाल जमीरा, और उसके बाद है गुमला, उसके बाद है सिमडेगा, और उसका आगे है राउरकेला। और इधर ऊपर की ओर लगता है हम लोग का ये 15 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेला। तो आइए दोस्तों हमारे ये दक्षिणी कोयल नदी की नज़दीक से दिखाते हैं आप लोगों का हमारे दक्षिणी कोयल नदी का मनोरम दृश्य। और इधर है मेरा गांव, और ये है दक्षिणी कोयल नदी, और इधर जहां मैं फोकस किया हूं उधर लगता है चित्री डाड़ू मेला, और इधर है कोयल नदी में पूरा बालू जिसका अवैध ढुलाई चालू रहता है। और ये रहा मस्त पानी हमारे ये दक्षिणी कोयल नदी का, और इधर भी देख सकते हैं इधर इस तरह से हमारे गांव में ये नदी चार चांद लगाते हुए, और इसी नदी में हम लोग नहाने आते हैं। ये अपने उद्गम स्थल से कर ये दक्षिण की ओर बहती है, इसलिए इसको दक्षिण कोयल नदी भी बोला जाता है। इधर है हम लोग का टाउन लोहरदगा, इधर है गुमला, फिर सिमडेगा, फिर राउरकेला दक्षिण की ओर, तो इसलिए दक्षिणी कोयल नदी बोला जाता है इसको। और इस नदी का हमारे गांव में हमारे नहाने में, धोने में, सिंचाई करने में ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और हम लोग का जो भी ये त्योहारिक कार्यक्रम होता है, जैसे कर्मा हुआ, इस सब का हम लोग विसर्जन यहीं पर करते हैं। और गर्मी के दिनों में इस नदी की रौनक काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग पूरा एकदम वहां से यहां तक एकदम नहाने आते हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे उधर बालू है, और बालू का यहां अवैध खनन भी होता है, उत्खनन होता है, ना करने के बावजूद भी यहां से चोरी छुपे बालू जाते रहता है। और हम लोग तो गरीब आदमी हैं, मिट्टी का घर में रहते हैं, लेकिन ये अमीर लोग ये चोरी छुपे बालू को ले लेके ये पूरा ख़त्म कर दिए हैं। देख सकते होंगे यहाँ पूरा पहले बालू भरा रहता था, अभी बालू का नामो निशान है, और उधर चल गया है बालू, और इधर कुछ कुछ बचा हुआ है।
इस तरह से इसको नदी की दुर्दशा दिनों दिन खराब होते जा रही है। ये रहा दोस्तों इस नदी का परिचय, और अभी मैं चलूँगा नदी के उस पार, उस पार जाऊँगा। आप लोग बालू देख पा रहे होंगे तो मैं उधर जाता हूँ अभी अभी। और वैसे तो सभी के लिए सरकार ये लेटरिन बाथरूम दे दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सुबह सुबह उठ के इस नदी के तरफ ही हागने आते हैं। ये रहा दोस्तों खूबसूरत पानी हमारे दक्षिणी कोयल नदी की, और इधर है हमारा गांव ददरी, और इधर पीछे है ग्राम डंडू, और इधर देख पा रहे होंगे बालू। और इसी कोयल नदी में इसमें बड़ा बड़ा मछलियां भी हैं, और इसमें लगभग 10 से 15 फीट पानी होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और गर्मी के दिनों में हम लोग इसमें मछली मारने आते हैं और पानी में पूरा घुस के गर्मी का आनंद लेते हैं। और ज़्यादा ज़्यादा देर तक अगर पानी में रहते हैं तो ठंडी लगने लगती है, तो ठंडी लगने लगने के बाद इस बालू में आके हम लोग घोलटते हैं, तो कितना भी ठंडी रहे वो इस बालू में घोलटने के बाद वो ठंडी ख़त्म हो जाती है। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों हमारे गांव की दक्षिणी कोयल नदी की ये बालू, और ये बालू हम लोग जब छोटा छोटा थे उस समय बहुत ज़्यादा था, उधर भी बालू था इधर भी था, और यहाँ इतना ऊँचा ऊँचा बालू था जो अभी ट्रैक्टरों के द्वारा और ये प्रशासन के मना करने के बावजूद यहाँ से डेली बालू उठता है, और डेली बालू उठने के कारण ये धीरे धीरे पूरा ये इस नदी का ये बालू ख़त्म होने जा रहा है। दक्षिणी कोयल नदी की दुर्दशा खराब होते जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। और ये है हमारे दक्षिणी कोयल में बहता हुआ पानी जो बिल्कुल कम हो चुका है, और अभी ये फरवरी का महीना है, और फरवरी के महीने में ही ये पानी इतना कम हो चुका है, और गर्मी आते आते मई जून आते आते इस नदी में पूरी तरह पानी ख़त्म हो जाता है, तो बहुत थोड़ा बचता है। और इधर मैं अभी जा रहा हूँ नीचे की ओर, जहाँ दो तीन ट्रैक्टर बालू की ढुलाई कर रहे हैं, और ये तो मुझे नहीं पता है कि ये प्रशासन के मंजूरी से ये बालू का ये ढुलाई हो रहा है या तो ये अवैध खनन है, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी दो तीन ट्रैक्टरें वहाँ लगी हुई है, मैं उधर अभी चलता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों बालू के ढुलाई चल रही है, और यहाँ दो तीन ट्रैक्टरें लगी हुई है। अभी सुबह हो चुका है इसलिए दो तीन ट्रैक्टर है, और रात में यहाँ बहुत सारी ट्रैक्टरें लगी रहती हैं, बहुत या लगभग 10 से 12 ये ट्रैक्टर। और सुंदर साफ पानी देख के मुझे तो नहाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तो ठंडी भी है, और मैं कुछ कपड़ा भी नहीं पकड़ा हूँ, इसलिए मैं केवल हाथ पैर धोता हूँ और चलता हूँ अभी घर। हाथ मुंह धोने के बाद मैं चलूँगा घर। और ये है मेरे गाँव में आम का बगीचा, और ये है आम का बगीचा, और फरवरी का महीना है तो आम में मांजर लगना भी शुरू हो चुका है। और इस तरह से दक्षिणी कोयल नदी से होते हुए तीसी खेत होते हुए बाग बगीचा होते हुए फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से हमारा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।